सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज गोंदिया के गोलू उर्फ रोहित हरिप्रसाद तिवारी की सोमवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार की रात गोलू तिवारी दोपहिया वाहन से तिरोड़ा से गोंदिया आ रहे थे। इसी दौरान दोपहिया वाहन पर सवार दो लोगों ने उसका पीछा किया और उस पर पीछे से गोली चला दी। इस बीच गोलू तिवारी ने अपनी जान बचाने के लिए बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। कुड़वा चौक से कुछ दूरी पर होटल शालीमार के सामने उनकी बाइक फिसल गई। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक फिसल गई। घटना की जानकारी जैसे ही रामनगर पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। खून से लथपथ गोलू तिवारी को इलाज के लिए रिंग रोड इलाके के सहयोग अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज शुरू होने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इन सभी 7 आरोपियों को 29 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि हत्या पैसों की लेनदेन और पुरानी दुश्मनी के चलते हुई है। काल जो गुन्हा दाखल झालेला आहे रामनगर पोलीस स्टेशनला आज सीआर नंबर 120/2024 कलम 302 अन्वय गुन्हा दाखल झालेला आहे। या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने आपण टोटल 7 आरोपींना अटक केलेला आहे आणि यातील जे 2 आरोपी आहेत ते आपण गोंदिया शहरातून त्यांच्या घरातूनच आपण त्यांना ताबा घेतलेला आहे आणि जे इतर आरोपी आहेत त्यांना आपण देवरी येथून त्यांचा ताबा घेतलेला आहे। याचा तपास अजून सुरू आहे तर त्याच्यामध्ये निष्पन्न होईल आपल्याला की नेमकं त्यांनी वेपन कुठून आणलं होतं। मृतकावर यापूर्वी एक गुन्हा दाखल आहे आपल्याकडे 2012 तो गुन्हा आहे सीआर नंबर 88/2012 कलम 302 अन्वय हा गुन्हा दाखल आहे। आरोपी 29 एप्रिल पर्यंत PCR मिळालेला आहे। मोहित मराठे हा जो आरोपी आहे त्याच्यावरती 2020 81/2020 हा गुन्हा दाखल असून तो कलम 302 म्हणजे मर्डरचा गुन्हा दाखल आहे। NBC न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।